जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमन प्रेस जीके जी पे जैसा कि दोस्तों आज है आपका 17 नवंबर और 17 नवंबर को दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का एस एस स्टेनोग्राफर का एग्जाम दोस्तों समाप्त हो गया है ठीक है तो आज के इस वीडियो में दोस्तों सीनोग्राफर्स में जो जीके जी के प्रश्न आए थे आपको मालूम होगा पचास जीके जी के प्रश्न आते हैं दोस्तों सौ इंग्लिश के आते हैं पचास रीजनिंग के आते हैं इसमें आपका मैथ का जो पोर्शन होता है वो आपका नहीं होता है तो जिनका भी मैथ वीक है उस उनके लिए ये एग्जाम बहुत ही अच्छा होने वाला है तो आप लोग देख सकते हैं इसके अलावा इसमें जो जी के जी के प्रश्न पूछे गए थे उनको देखेंगे और सारे जो प्रश्न के डिफी क्या लेवल रहे हैं उसको उसको देखने का प्रयास करेंगे ठीक है तो सभी प्रश्न आपका जो है स्टूडेंट को याद नहीं रहता है इसके लिए आपको पी डी एफ की व्यवस्था कीजिए पी डी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा इसके अलावा आप व्हाट्सअप मैसेज करके भी प्राप्त कर सकते हैं चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा वीडियो में फैकल्टी लेवल के बारे में भी बात करेंगे और चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लीजिएगा चलिए देखिए जो पहला प्रश्न आपका देखा गया पॉलिटिक्स है कि चश्मा जो संविधान संशोधन है दोस्तों आपका कब हुआ था तो दोस्तों हाल ही में जितना भी आपका एस एस का एग्जाम हुआ अगर उसका एनालिसिस देखते होंगे तो इसका जो आंसर है बनाना आपके लिए बहुत ही ईजी होगा तो चश्मा जो संविधान संशोधन हुआ था आपका दो ईस्वी में आपका किया गया था ये आपका पूछा गया था कब हुआ था तो इसका तो राइट आंसर दो हो जाएगा लेकिन आगे आने वाले जिनको जिनका भी एग्जाम है वही अगला जो पॉइंट है उसको नोट कर लीजिएगा कि संविधान संशोधन के द्वारा देश के छः से चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने का सही प्रबंध प्रावधान किया गया था इसे कहाँ रखा गया था इसे आई इक्कीस क में रखा गया था तो ये दोनों पॉइंट जो सो आप रख रख लीजिएगा क्योंकि आने वाले सेफ्ट में ये पॉइंट दोनों पूछा जाएगा कि शिक्षा का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है इसका में है और कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए है तो छः चौदह वर्ष के बच्चों के लिए है ये संविधान संशोधन के अलावा दोस्तों आप इ, इ, इसी में एक और आपका जोड़ा गया था जो आपका जो ग्यारहवां जो मौलिक कर्तव्य है वो भी जो आपका इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था इससे पहले आपका मौलिक कर्तव्य की संख्या दस थी और दो हज़ार दो जोड़ा जो गया था इसके बाद आपका वर्तमान में आपका ग्यारह है तो ग्यारहवां जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका जोड़ा गया था जिसमें संविधान संशोधन से ही तो इतना फैक्ट जो आपका इसके इससे बनते हैं सभी एग्जाम में चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि उन्नीस सौ इक्यानवे में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे मतलब कि भारत में जब आर्थिक सुधार हो रहा था इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहा था तो उस समय 91 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री आपसे पूछा गया था तो इसका तो सही उत्तर दोस्तों आपका पी वी नरसिम्हा राव हो जाएंगे जितने भी क्वेश्चन लाए उससे आपको एक मिल जाएगा कि आपका कैसा कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है जीके के जी का तो आपका नरसिम्हा राव तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे आर्थिक सुधार उन्नीस सौ इक्यानवे में चनात्मक समायोजन कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था इसे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री है नरसिम्हा राव ने शुरू किया था अब भारत की नई आर्थिक नीति की शुरुआत तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था उस समय आपका वित्त मंत्री मनमोहन सिंह था जो कि बाद में जाकर आपके भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे तो आपका प्रधानमंत्री उस समय का पूछा गया था तो उस समय का आपका तो नरसिम्हा राव राइट आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह जिन लोगों ने मारा बिल्कुल गलत होगा क्योंकि उस समय तो वो आपका वित्त मंत्री थे ठीक है चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि दो में कौन से क्रिकेटर ने सभी फॉर्मेट से आपका संन्यास ले लिया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तो भारत के लिए दोस्तों ये साल था दो का जो साल था संन्यास लेने वाले खिलाड़ियों में प्रमुख रूप से महेंद्र सिंह धोनी सुरेश रैना और पार्थिव पटेल के नाम से रहे हैं इस इन खिलाड़ियों ने अपने खेल से विदा लिया है तो आपके ऑप्शन में दोस्तों आपका महेंद्र सिंह धोनी भी था या सुरेश रैना था किस तरह था आपका ऑप्शन दिया गया था उसके तहत अपना मान लीजिएगा लेकिन आपसे ये प्रश्न पूछा गया था दो हजार इक्कीस करंट अफेयर्स की बात करें तो इक्कीस का बीस इक्कीस का करंट अफेयर्स अभी तो देखने को मिला है और 22 तक का भी कुछ हद तक मिला है ठीक है तो बीस इक्कीस बाईस आपका ये तीनों ईयर का जो करंट अफेयर्स है आपसे पूछा जा रहा है कई बाईस मान के चलिए बीस से जो करंट अफेयर्स पूछा जाएगा जा वो आपका स्टेटिक्स जीके में कन्वर्ट हो जाएगा चलिए एक क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया था कि शुंग राजवंश की शुरुआत है जो कि किसने किया था सा, स्थापना है या किसने किया था तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा पुष्प मित्र शुंग ने किया था पुष्प मित्र शुंग ने शुंग, शुंग, शुंग वंश की स्थापना किया था ठीक है इसके अलावा की पॉइंट्स को देखें तो शुंग अंतिम सम्राट जो अंतिम जो मौर्य सम्राट था आपका वृद्ध मौर्य के सेनापति थे ठीक है वृद्धत कौन थे अंतिम मौर्य सम्राट था मौर्य सम्राट आपको जानते होंगे स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कि आगे चलकर शोक एक महान शासक हुआ था इसके बाद इसका अंतिम सम्राट था जो कि सोंग नामक एक उनका सेनापति था उसे मार दिया था और शुभ वंश की स्थापना कर लिया था उनके दायरे में मुख्य रूप से पुराने मौर्य महाराज के दिन भाग शामिल थे कालिदास के द्वारा रचित संस्कृत नाटक माल विज्ञान मित्रम के अनुसार शुंग ने मध्य प्रदेश के उस चैन शहर को जीत लिया था एक ये, ये आपका प्रश्न भी बन सकता है कि मालविज्ञान मित्रम की रचयता कौन है तो कालिदास इसका राइट आंसर हो सकता है अगर आपका प्रश्न पूछा जाएगा तो ठीक है चलिए इससे पहले दोस्त चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिएगा एक पुस्तक पूछा गया था दोस्तों कि द मिनिस्ट्री ऑफ एट मोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है द मिनिस्ट्री ऑफ एट मोस्ट हैप्पीनेस जो पुस्तक है दोस्तों उसके जो लेखक है भारतीय लेखिका अनुन्ति रॉय का, का दूसरा उपन्यास था ठीक है ये आपका अनुति रॉय के द्वारा लिखा गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था जो कि उनकी पहली फिल्म द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बीस साल के बाद दो में प्रकाशित हुआ था तो ये पुस्तक भी आपका बार पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के पुस्तक के लेखक कौन है तो अनुति रॉय इनका पहला उपन्यास था दूसरा उपन्यास द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस ये इनका दूसरा उपन्यास था जो कि आपसे पूछा गया था एक क्वेश्चन दोस्तों ये देख लीजिएगा कि शायद आपसे पूछा गया था या नहीं कि पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी उम्र होनी चाहिए तो दोस्तों पंचायत जो चुनाव होता है लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपका कई स्वर्ष होना चाहिए पूछा गया था तो ठीक है नहीं पूछा गया तो जिनका एग्जाम है वो अपना देख लीजिएगा क्योंकि पंचायत चुनाव से भी रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं पहला तो आपका यही है कि न्यूनतम उम्र विकास था दूसरा कि पंचायत चुनाव कितने साल के बाद होता है तो पाँच साल के बाद होता है पंचायत चुनाव कौन कराता है तो आपका जो राज्य निर्वाचन आयोग वो पंचायत चुनाव का कराता है पंचायत चुनाव कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होता है ठीक है आपका भारत में कौन से स्तरीय का पंचायत है तो त्रिस्तरीय पंचायत आपका वोलमता है मेहता की सिफारिश पर यह आपका किया गया था चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि विश्व जोखिम रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है तो दोस्तों हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा विश्व जोखिम रिपोर्ट दो जारी किया गया है तो आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा दोस्तों आपका विश्व जो जोखिम रिपोर्ट है जारी किया जाता है ये जोखिम विशेषज्ञों व्यापार सरकार एवं नागरिक समाज में विश्व प्रतिनिधियों के बीच वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करती है यह पांच श्रेणियों में जोखिम को ट्रैक करता है पहला तो आपका आर्थिक हो गया दूसरा पर्यावरण हो गया तीसरा भू राजनीतिक हो गया चौथा सामाजिक और पांचवा तकनीकी दोस्तों पांच श्रेणियों में जोखिम को ट्रैक करके विश्व जो आर्थिक मंच है उसके द्वारा जो रिपोर्ट है जारी किया जाता है एक क्वेश्चन पूछा गया अंक टाट के अध्यक्ष कौन है ठीक है तो दोस्तों की जो अर्थशास्त्री है रेविका ग्रीन स्पेन को व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंक टाट के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र सवार ने ग्यारह जून दो को उनके नामांकन

कमेंट जरूर करते जाइएगा एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों हॉकी जो है ओलंपिक में किस वर्ष शामिल हुआ था तो देखिए ये हॉकी में हॉकी किस वर्ष शामिल हुआ था या भारतीय हॉकी किस वर्ष शामिल हुआ था इससे जुड़ा कुछ डाउट है लेकिन अगर आप एग्जाम देख रहे हैं डॉट को दूर कीजिएगा लेकिन दोनों को इसमें इस प्रश्न में डिस्कस करेंगे पहली बार तो जब भारतीय टीम ने पहली बार दो हज़ार अट्ठाईस में हॉकी में अट्ठाईस ओलंपिक में हिस्सा लिया था ठीक है जो हॉकी है दोस्तों आपका पहली बार उन्नीस सौ आठ ईस्वी में शामिल किया गया था ठीक है तो देख लीजिएगा इसका क्या राइट आंसर हो सकता है इसके बाद आपको बताइएगा एक क्वेश्चन जैसे ओलंपिक से और पूछा गया था कि फुटबॉल में जो है भारत ओलंपिक में फोर्थ पोजिशन पर किस वर्ष रहा था इस तरह का भी कोई प्रश्न पूछा जाता पूछा गया था स्टूडेंट के से माध्यम समय से प्राप्त हुए हैं देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों सबसे बड़ा सी एन जी भारत कहाँ पर स्थापित किया गया है ठीक है तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका इंदौर हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था जो कि स्टूडेंट के द्वारा बताया भी गया है कि इंदौर ऑप्शन में आपका था तो इंदौर के देवगुराड़िया ट्रेकिंग ग्राउंड में एशिया का सबसे बड़ा बायो सी एन जी प्लांट बना है और इस प्लांट को पूरी शत प्रतिशत गिले कचे संचालित किया जाएगा और इसे जो रोजाना अठारह हज़ार किलोग्राम गैस का उत्पादन होने का अनुमान है इस प्लांट की जो कुल क्षमता है पाँच सौ पचास मीट्रिक टन है तो आपका इंदौर इंदौर इसका राइट आंसर हो जाएगा में भी कहां तो देव, ए, देव गुराडिया ट्रेसिंग ग्राउंड में एशिया का सबसे बड़ा बायो सी प्लांट ठीक है चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है देखिए पंडित बिजरा करके कोई आपका नृत्य दिया गया था वो पूछा गया था कौन से घराने से संबंधित है लेकिन इस तरह के नाम का कोई भी नृत्य जो डांसर है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाए हैं क्या डांसर का नाम आप स्पष्ट रूप से एक बार कॉमेंट में बता दीजिएगा चलिए एक क्वेश्चन जैसे पूछा गया था आपका निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन एलगी है तो दोस्तों ऑप्शन में आपका कलर दिया गया था जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कलर आपका निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन एल्गी है तो कलर आपका इसका राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है एक क्वेश्चन जो आपसे ये देखिए पूछा गया था प्लांट को स्ट्रेंथ कौन प्रभावित करता है कौन देता है कौन प्रोवाइड करता है ठीक है प्लांट को स्ट्रेंथ कौन ताकत कौन प्रोवाइड करता है तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका सेल मेमरन हो जाएगा जो कि कोई डाउट नहीं है तो आपका इसका राइट आंसर सेल मेम्ब्रेन आपका इसका राइट आंसर हो जाना है ठीक है देखिए और दोस्तों आपको बहुत से स्टूडेंट का डाउट रहता है कि एग्जाम में आपका क्या क्या लेकर जाना है तो पहले ही बता दें दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड है जो कि आपका जी के माध्यम से भेज दिया जाता है इसके अलावा आप नेट से भी निकाल सकते हैं एस एस सी डॉट निक के डॉट इन के वेबसाइट पर जाकर तो एडमिट कार्ड आपको ले जाना अनिवार्य है इसके अलावा आपका एक आधार कार्ड पहचान पत्र कोई भी हो आधार कार्ड हो या आपका पेन कार्ड हो या वोटर कार्ड हो कोई भी आधार कार्ड एक आप ले सा, ले जा सकते हैं आधार कार्ड आप देखिएगा का जो नेट से निकाला नहीं रहना चाहिए एक आपका ऑफिशियल जो आधार कार्ड आता है वही आपका रहना चाहिए नहीं तो कोई को जो सेंटर पर होता है वो आपको नहीं घुसने देता है इसके अलावा दो फोटो आपका ले जाना अनिवार्य है दो फोटो नहीं भी रहे तो एक फ़ोटो जरूर ले जाइएगा अगर आपका किसी प्रकार कोई दिक्कत होता है तो आपको फोटो से ही पहचान किया जाता है तो एडमिट कार्ड कोई पहचान पत्र आधार कार्ड एडमिट कार्ड या पेन कार्ड या वोटर कार्ड या आपका दो फोटो ये तीनों ले जाना आपका अनिवार्य है ठीक है इसके अलावा दोस्तों बात करें डिफिकल्टी लेवल का तो आपको पहले बता दें इंग्लिश का जो लेवल था वो थोड़ा सा हार्ड देखा गया है क्योंकि दोस्तों आपका इंग्लिश का इस एग्जाम में खेला है इंग्लिश के क्योंकि सो प्रस आपके आते हैं जो भी दोस्तों इंग्लिश में भी स्ट्रॉन्ग होगा उस एग्जाम को ये आसानी से निकाल लेगा तो इंग्लिश का ये जो को आपसे थोड़ा बहुत हार्ड पूछा गया था इसके बाद रीजनिंग का बात करें रीजनिंग थोड़ा सा आपका ईजी था लेकिन कैलकुलेट कैलकुलेटिव था कैलकुलेट आएगा नहीं तो फिर रीजनिंग का बनाने का मजा ही क्या रह जाएगा तो रीजनिंग आपका कैलकुलेटिव था और जी के जी एस का मॉडरेट लेवल का पूछा गया था आपका जो पचास प्लस पूछे जाते हैं उसमें से आपका पैंतीस से चालीस प्लस आसानी से शायद बनने वाले थे अगर कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो अगर एग्जाम का तैयारी नहीं कर रहे हो तो उनके लिए तो खैर पचास में से एक दो ही बन जाए उनके लिए बहुत बहुत है तो देखिए दोस्तों ये सब आपका प्रश्न देखने को मिला था इसके अलावा सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का भी एनालिसिस इस चैनल के माध्यम से आपको किया जाएगा तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन कर लीजिएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जब जब तक लीजिए जबारत